ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله أكبر. जो 19 दिन तमाम होने के बाद पहली शव्वाल को ईद फित्र मनाने के लिए यहाँ हम तशरीफ फरमा है, तो अल्लाह ताला का हम शुक्र गुजार करते हैं कि इतने इस महीने में अल्लाह ताला के शुक्रिया अदा करने के लिए ए अल्लाह ताला आपकी इबादत में पूरी माह रमजान में हम अल्लाह का शुक्र और इनाम लेने के लिए आप यहाँ हमें जमा हुए हैं। इसलिए कि लोग दो तरह की है, एक गुरु जो हम यहाँ सब आप सब तशरीफ फरमा है, जीत का हम जश्न मना रहा है। इस माह रमजान में हमने रोजा रखा, गरीब अमीर एक साथ भूखे को हमने एहसास किया और लोगों को सदका देना, इफ्तार देना और साथ ही जुमतुल विदा के दिन यौम कुछ में हमने फिलिस्तीन और दुनिया के मजदूर की हिमायत में हमने हिमायत किया और जालिम से नफरत करते हुए इंसानियत भाईचारगी और यूनिटी प्लेटफॉर्म हम ऐसी अच्छी इबादत सब्र किया, तो इस चीज का हम आज अल्लाह ताला को शुक्र अदा करने के लिए कि मैं एक नया इंसान बन के यहाँ आया हूँ, हम ईद मनाने के लिए आया हूँ, तो इस चीज का मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट शिया कम्युनिटी अंजुमन इमामिया जो कि सालों साल कई साल से एक ईद का हमारे लिए ईद के लिए एक शर्त यह है कि जो मसलन जेर आसमान नमाज हो, इस ईदगाह के लिए कई साल से हमने मांग किया लेकिन गवर्नमेंट से हमें ये हुसूल नहीं हुआ, लेकिन हमारा ये केस जो है कोर्ट तक पहुंच गया। अगर अगरचि कोर्ट में भी कुछ हमारे हक में कुछ फैसला आया था लेकिन वो भी हमारे हित में यहाँ नहीं मिला, तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से जल्द अज जल्द हमारे लिए ईदगाह का इंतजाम करे। कितने हम साल हम इस तरह परेशानी के साथ रहे, और साथ ही अभी अलमदार हेल्थ सोसाइटी की तरफ से आज यहाँ एक इफ्तिताह हुआ जिसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंसानियत के लिए चाहे मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, अलमदार ने कई सालों से खून का अतिया किया जिससे हमारे हयात और हमारी इबादत जो है जब तक सलामत ना हो हम कैसे इबादत करें, इसका मैं आप अलमदार सोसाइटी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही एक बुद्धिस्ट मसल एसोसिएशन ने वहाँ एक फोटो जो है हमारे लिए पेश किया है, अब मुझे उस सोसाइटी का नाम नहीं मालूम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लद्दाख अमन अमान इंसानियत और एक दूसरे की मजहब का एहतराम करते हुए हर ईद हो चाहे हम लोसर हो किसी मुनासिबत पर एक दूसरे को खतफ बनाते हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं, लिहाजा इन सोसाइटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अजीजों आज हम बड़ी खुशी क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरीन हमारी इबादत में से बेहतरीन इबादत एक ये है कि इदखाल सुरूर मोमिन एक दूसरे के साथ खुशी मनाना और गरीब मिस्कीन को मदद करना और किसी की मुश्किलात को हम दूर करना और इसी तरह अगर कोई मकरूज हो तो इस मकरूज को अदा करना। तो हमें इंशाअल्लाह मन सर मोमिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी मोमिन को अगर तुम खुशी करे तो फकत सर रनी तुमने मुझे खुशी किया, मन सर रनी फकत सर अल्लाह जिसने रसूल को खुशी किया तो उसने अल्लाह को खुशी किया। तो मैं इंशाअल्लाह इस फितरा जो अभी बयान हुआ तो इस फितरे को गरीब मुस्तहक तक पहुँचा कर आज हमारे रस्म है यहाँ पर भी ईद के दिन छोटे छोटे बच्चों को हम ईदी देते हैं, तो रसूल फरमाते हैं एक खुरमा के जरिए से भी क्यों ना हो लोगों को खुशी कराए, हाथ मिलाए खड़े मिला के हम खुशी से रहे। तो मैं ज्यादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे कि मैंने पहले खुतबे में भी कहा ये रोजा जो है हर मसलक में पाए जाते हैं, तो ये ईद जो है हमारे एक महीना रियाजत करके जैसे खाना पीना ये सब्र करके और इसी तरह अल्लाह की इबादत करके गरीब मिस्कीन को मदद करके हम एक एक नया इंसान जिस तरह हम वक्त जैसे फौज जो है 9 महीना ट्रेनिंग दे के अपना खुशी इजहार करते हैं, तो हम अल्लाह ताला के बारगाह में यानी एक नए इंसान बन के आ जा अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि हम एक नया इंसान बन गया जो पहले हम दूसरों की बुराई करता था लोगों के बारे में नहीं सोचता था, इस महीने में हर चीज़ को कंट्रोल करके एक नया इंसान बन के अल्लाह का शुक्र और इस इनाम लेने के लिए हम आया कि हम जीत का आज
हमने खुशी मनाया। तो इंशाल्लाह ये ईद हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही हम इंशाल्लाह दुआ करते हैं तमाम दुनिया की, जैसे हमने माह रमजान में फिलिस्तीन की हिमायत में हमने जुलूस निकला, मजलूम की हिमायत और जालिम से नफरत, ये सब जो यूनिटी प्लेटफॉर्म और शांति अमन अमान इन सब के लिए हमने एक महीना कोशिश किया, तो इस कामयाबी के लिए हमने आज ईद मनाया। तो ये सब मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। जी पूरे लद्दाख में जिस तरह की एकता है हर एक जी में, और यहाँ पता है कि एक दूसरे को मुबारकबाद भी देने आते हैं, तो अच्छा मैसेज देंगे इस ईद पे? तो मैं तो लद्दाख में बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ क्योंकि लद्दाख में पैदा हुआ है, क्योंकि लद्दाख जो है शुरू से यानी हमारे बुजुर्ग चाहे तुलदे हो चाहे दलाई लामा जी हो चाहे हमारे मजहब की बड़ी बड़ी रहनुमाई हो, हमेशा से ये आवाज दिया है कि हम सब अगर चीज एक दूसरे मजहब अलग हो लेकिन हम खलकत में पैदाइश में हम एक इंसान है इंसानियत की तरह। जैसे आप सिर्फ हम ईद के दिन त्योहार के दिन या मसलन लोसर में हमें पता चलते कि ये बोधी से ये मुसलमान है, नहीं तो हम सब एक ही मसलन परिवार की तरह हम जीते हैं। तो आज भी बुद्धिस्ट लोगों ने हमारे एक बैनर तैयार करके यहाँ लाया और यहाँ हमें खतक पहनने के पहनाने के लिए मुबारकबाद पेश करने के लिए आया। तो इसी तरह हम भी लोसर हो कोई भी मुनासिबत हो हम शिरकत करते हैं। तो ये लद्दाख न फकत ले में बल्कि दुनिया में एक आइडियल, हमारे बड़े बड़े जो हमें हमारे बुजुर्ग अक्सर ईरान में है वो लोग कहते हैं कि आप लोग ये शांत पीस देकर, खुद हमारे दलाई लामा जी ने दिल्ली में हमें एक सेमिनार बुलाया शिया सुन्नी के इत्तेहाद के बारे में। तो ये पीस जो है अमन अमान का ये पैगाम जो है सिर्फ लेह से जाए लद्दाख से जाते हैं, नहीं तो दुनिया में हम देखते हैं मजहब के नाम पर कितने झगड़ा लड़ाई होते हैं। तो हम ये दुनिया को पेश करना चाहते हैं अगर मजहब मुख्तलिफ हो लेकिन हम में इंसानियत हो। हम पैदाइश के लिहाज से हमारे अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों को इंसाफ करना चाहे तुम्हारे मजहब को मानने वाला हो या दूसरे मजहब को, लेकिन पैदाइश में हम एक जैसे हैं तो किसी को जुल्म नहीं करना। तो ये नमूना प्रैक्टिकली और हम लेह में ही देख सकते हैं कि 100% अमन अमान है। तो मैं ये लद्दाखियों की तरफ से पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग मजहब के नाम पे मत झगड़ा मत करें, सब इंसानियत के साथ रहे, तो ये जो हमारे लिए खुशी की बात।